गुरुद्वारा साहिब धांधू में सरपंच ताराचंद मेघवाल ग्राम पंचायत दिशाली द्वारा 65 फुट ऊंचा हाइड्रोलिक निशान साहिब की स्थापना करवाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संदीप कांकड़ उपखंड अधिकारी हरिराम पूर्व प्रधान अनुपगढ़ दानाराम लूणा तहसीलदार नक्षत्र सिंह रमाणा पूर्व उप जिला प्रमुख विजेंद्र भांबू पूर्व सरपंच यूनियन के अध्यक्ष लक्ष्मण राम बावरी सरपंच रोजड़ी महावीर बिरट सरपंच कुंडल अशोक लीलण सरपंच पुरानी मंडी घरसाना जगदीश जयपाल 6DD सरपंच रांझे खान सरपंच 6ZWM गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष अंतर सिंह खजांची शिनद्र पाल सिंह समस्त वार्ड पंचगण उमेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी शिवराज गिरद्वार रामचंद व्यापत कनिष्ठ सहायक बड़ी संख्या में साध संगत सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। इससे पूर्व गुरुद्वारा साहिब में नगर कीर्तन किया गया एवं लंगर बरताया गया। अनूठे हाइड्रोलिक निशान साहिब की स्थापना से साध संगत में खुशी का माहौल रहा तथा बोले सोनिहाल क्षेत्र श्रियाकाल के जय घोष से निशान साहिब की स्थापना की गई। ग्रामवासियों ने सरपंच ताराचंद मेघवाल का आभार व्यक्त किया। परमात्मा और इतिहास हमेशा याद रखता है। इत्थों दे सरपंच ताराचंद जी और पूर्व सरपंच विजेंद्र जी बांबू और तमाम सरपंच साहबान आए हुए और सिंह साहबान माता भैनों और प्यारे बच्चों बहुत ही खुशी की गल है। अज इस चक के 17 KWM के प्रोग्राम रखा गया और गुरु नानक जी का गुरु दरबार का गुरु ग्रंथ साहब के सामने इतने निशान साहब चढ़ाया गया। बड़े जकारे छड़े गए और गुरु नानक जी बाणी के बहुत कुछ छिपया है जो अपनी जीवन के काम आने वाली चीज़ा होंगे। थोड़ा जहा इस चीज़ को ध्यान करके सुनिए। गुरु की बाणी के गरीब अमीर जात पात गुरु नानक जी ने हजारों साल पहला ही एक खत्म करता सी। गुरु ग्रंथ साहब जी पांचवें गुरु अर्जन देव जी द्वारा और द्वारा ये किया गया लिखा गया सी और इन्होंने लिखा गया भाई गुरदास जी सी और बाबा बुद्धा जी सी जिन्हां दी उम्र छोटी सी और उन्होंने विचार उच्चे सी उन्होंने बाबा जी बुढ़ा जी आख्या जाता सी। गुरु ग्रंथ साहब के हेड पहले ग्रंथी सी सतसंग जी। गुरु ग्रंथ साहब के लिखा गया सारे नौजवान सरपंच साहबान बैठे है। बड़ा सुंदर लिखा गया चंगा नाम लिखा के जस कीर्त जग लो भी जिस बंदे ने चंगा काम किया उन्होंने जस भी मिलता है और आपका नाम भी उच्चा है। ये गुरु ग्रंथ साहब के लिखा जाता है लिखा गया है और गुरु ग्रंथ साहब के लिखा गया ना मारिया जाए ना ठगया जाए जिसके राम वसे मन माए। जेड़ा परमात्मा का नाम लैंदा जेड़ा राम का नाम लैंदा वह कदे धोखा नहीं खाता उन्होंने कदे दुख नहीं आता वह कदे ठगया नहीं जाता। यह बाणी के लिखा गया है। बाणी के बहुत कुछ लिखा गया मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा। दुख रोग संताप उतरे जे सुनी सच्चे बाणी जे बाणी चंगी आपा ध्यान ना सोचिए तो दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी आपके दुख भी दूर हो जाते हैं तंदुरुस्ती मिलती है। ये गुरु ग्रंथ साहब के लिखा गया और गुरु ग्रंथ साहब के जात पात को पहले ही उन्होंने जात पात तो दूर करता सी। अल्लाह अनूर पाए पुत्र दे ए बंदे कौन इस जू अनूर ते जो जग उपजा कौन भले कौन मंदे। इस जग दे उत्ते जेड़ा आया वो बराबर होंदे है सारे एक जैसे होंदे है। इस टाइम बीतता गया गुरु नानक जी बाणी तो दूर होंदे गए और जाति पाति विच वंडिया गया जिवें गुरु निशान साहब जी मिस्त्री खड़े कर रहे थी और स्टेज सचिव साहब कह रहे थे बोले सोनिया सत श्री अकाल। इहदा अर्थ भी मैं दसदा भी इहदा अर्थ एक ही है एक किसी भी एक जाति वास्ते नहीं है भी वह निहाल हो जाएगा जो बोले सोनिया सत श्री अकाल। अकाल पुरख का नाम सच्चा है और जो अकाल पुरख का नाम ले लूगा वह निहाल हो जूगा। मैं इतों के पिंड वासियों
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ,